हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं प्लस टू एनआईएस बोर्ड का चैप्टर 32 विराटा की पद्मनी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है उपन्यास है। इसका जो लेखक है, इसका जो उपन्यास रचयिता करता है, वह बुद्धा वन लाल वर्मा। इन्होंने बहुत ही सहजता के साथ इसकी रचना किया है और इसमें उन्होंने एक दागी कन्या कुमुद के जीवन पर आधारित, जिसको दुर्गा देवी का अवतार माना जाता है, उसके इर्द गिर्द पूरे कहानी को रखा है। उन्होंने बताना चाहा है कि किस प्रकार जो है दागी कन्या जो कि दुर्गा की अवतार मानी जाती है, किस परिस्थितियों के साथ गुजरती है और किस प्रकार जो है विराटा जो होती है बिल्कुल ही शमशान में कन्वर्ट हो जाता है और उसके पश्चात क्या होता है। ये सब जानने के लिए, समझने के लिए आपको जो है चैप्टर को और उपन्यास को समझना पड़ेगा। इसके लिए आपको मेरे साथ बना रहना पड़ेगा। लेकिन साथ में चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, इसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहती है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो इससे ये होता है कि बनाने वाले का जो मनोबल होता है वो बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की सदैव कोशिश करता है। तो लाइक जरूर कीजिए और लाइक करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा और भी बेस्ट बना सकूं। और शेयर करना तो कहते हैं जग कल्याण के समान है। अगर आप दूसरे जरूरतमंद बच्चे हैं उनको अगर शेयर करते हैं और उन तक ये वीडियो पहुंचाते हो, तो इससे ये होता है कि अगर उनकी आवश्यकता थी और वो उसी वीडियो की प्रतीक्षा में थे और आपके थ्रू वो मिल गया है, तो वो आपके शुक्रिया अदा करेंगे और आपको धन्यवाद देंगे और आपको जो है अच्छा भी कहेंगे, ठीक है। और सब्सक्राइब करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप वीडियो तब भेजोगे ना अपने दोस्तों के पास जब आपके पास ही पता लगेगा कि ये वीडियो उनके लिए है। तो सब्सक्राइब करोगे तभी आप तक इसका नोटिफिकेशन जो है मिलेगा और सही समय पर जो है दूसरे बच्चों को भी हेल्प कर पाओगे। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है सिर्फ वो जो है एनआईएस बोर्ड के लिए ही वीडियो बनाता है या सिर्फ एक ही क्लास के लिए वीडियो बनाता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये जो है कई मायनों में हर जगह जो है हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th, CBSE के सभी चैप्टरों को जो है कवर करता है, प्लस जो है एनआईएस बोर्ड 10th हो या प्लस 2 हो सभी सब्जेक्टों को कवर करता है, प्लस जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को जो है कवर करता है। और जो है बीए के बाद जो है एमए है, एमए में जिन बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है उनको भी सोल्यूशन करने के लिए त्रिपाण स्टडी सेंटर सदैव अग्रसर है। तो कहते हैं इतना हेल्पफुल हो जाने के बाद भी अगर त्रिपाण स्टडी सेंटर को आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप दूसरे बच्चों को भी हेल्प नहीं कर पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, ठीक है दोस्तों। ये तो था आपके लिए, अब देखते हैं हमारे आज सिलेबस में क्या है। खंड 28। लोधा सिंह बड़ी सेना लेकर तूफान की तेजी से सीगढ़ पर चढ़ आया। चक्कर दिलवाया कर उसने अपनी सेना का एक भाग सिंधु के उस पार किले के ठीक उत्तर में भेज दिया। अलमर्दाना ने गार्ड से बाहर निकल कर उसका सम्मान किया। 2 दिन की लड़ाई में दोनों ओर से बहुत से आदमी मारे गए। बार बार लोचन सिंह विरोधी दल गार्ड में भगा देने की चेष्टा करता था और अलमर्दाना उसे विफल प्रयत्न कर डालता था। तीसरे दिन लोचन सिंह ने निरंतर आक्रमण जारी रखने के लिए अपनी सेना के अनेक दल बनाए जो बारी बारी से जागते सोते और युद्ध करते थे। यह योजना बहुत ही आशाओं में सफल हुई और दिन रात लड़ाई में उसका प्रभाव अलमर्दाना के पीछे हटती हुई सेना पर दिखाई देने लगा। गढ़ अभी लोचन सिंह के दूर था, थोड़ा सा पीछे हट कर अलमर्दाना खूब जम कर लड़ने लगा। दिन भर जोर की लड़ाई हुई। संध्या से जरा पहले अलमर्दाना की सेना दाएं बाएं कट कर बहुत तेज़ी के साथ लड़ते लड़ते भाग गई। आधा आधा मील पश्चिम और पूर्व दिशा में भागने के बाद दूर पर एक जगह इकट्ठी होने लगी। लोचन सिंह की समझ में यह रहस्य न आया, परंतु सामने कहीं कहीं आग का प्रकाश देखकर उसका भ्रम दूर हो गया। विश्राम प्राप्त दल को लेकर उसने तुरंत हमला करने का निश्चय किया। घुड़सवार ने आक्रमण किया। आक्रमण का वेग पहले कम फिर प्रचंड हो उठा। जो घुड़सवार आगे थे एक स्थान पर जाकर एकाएक रुक गए। एक वार्गी चिल्लाई, मत बढ़ो, धोखा है। और बहुत से सवारों का चिक्कार और घोड़े के हाथ धोने का स्वर सुनाई पड़ा। तुरंत ही बंदूक की बाढ़ दागने लगी। गोली की भनाभट
के बीच लोचन सिंह अपना घोड़ा दौड़ाता हुआ उस स्थान पर पहुंचा। देखा सामने एक बड़ी गहरी और चौड़ी खाई है जिसमें बड़े बड़े घोड़े अपने टूटे सिर पैर फड़ाफड़ा और घायल सिपाही कर्रा रहे हैं। घोड़ों की लगाम हाथ में पकड़े हुए घुटने टेके हुए सैनिक ने लोचन सिंह से पूछा, इसमें कितने खप गए होंगे? सैकड़ों, उत्तर मिला। मेरे पीछे आओ, लोचन सिंह ने कहा, मौत के मुंह में नहीं, मौत के मुंह से बचने के लिए अब भागो, अब खाई में कूद पड़ो, बोला। सफा मेरी कमर में बांध कर नीचे लटका दो, मैं वहीं दशा देखता हूँ। उसके बाद घोड़े के छोड़ कर और लोग भी इसी तरह उतर जाओ। घोड़े की लोथों और आदमियों की लाशों को इकट्ठा करके गठा पाठ दो और मार्ग जो है बनाकर खाई को पार लो। एक घंटे भीतर सिंहगढ़ हाथ में आ जाएगा। मैंने निश्चय किया है कि आज वहीं सोऊंगा। लोचन सिंह के नीचे अकेले न जाना पड़ा, कई सैनिक उसके लिए तैयार हो गए। परंतु लोचन सिंह सबसे पहले नीचे उतरा। नीचे जाकर इस लोगों ने लाशों को ढेर लगाकर खाई में एक सैकड़ा रास्ता बना दिया। वो इतना बड़ा था कि 2-3 सवार एक साथ निकल सकते थे। दूसरी ओर से बंदूक चल रही थी, परंतु लोचन सिंह आगे और उसके सवार पीछे पीछे खाई पार करके दूसरी ओर पहुंच गए। अलमर्दाना ने कल्पना नहीं की थी कि लोचन सिंह की सेना खाई पार करके शीघ्र आ जाएगी। उसने इस खाई के पश्चिम तथा पूर्वी सिरे पर व्यू बना लिया और बीच की पांत के जरा पीछे हटकर जमा किया था। सिर वाली टुकड़ियां उसके बांधे हुए इशारे पर काम नहीं कर पाई, नहीं तो लोचन सिंह की सेना का बहुत बड़ा भाग थोड़ी देर में नष्ट हो जाता। लोचन सिंह की सेना में खाई पार करके जो है ध्वनि के साथ जय जयकार किया। खाई के उस तरफ जो लोग रह गए थे उन्होंने भी जयकार किया। इसी बीच किले के ऊपर तोप गोले उगलने लगी। खाई के दोनों सिरे टुकड़ियाँ किले की ओर भागी। इस गोलमाल अलमर्दाना के बीच पांत भी पीछे हटी। किले की तोप में शत्रु और मित्र का भेद न पहचाना। दोनों दलों के अनेक लोग इस गोले में है चकनाचूर हो गए। अलमर्दाना ने किले के भीतर घुसकर युद्ध करना पसंद नहीं किया। वह पूर्व की ओर दूसरी दूरी पर अपनी सेना लेकर चला गया। यद्यपि वह चतुराई के साथ पीछे हटने में दक्ष था, परंतु इस लड़ाई में उसका नुकसान हुआ। लोचन सिंह की विजय यानी सेना किले की ओर बढ़ती गई। खाई के सिरे पर अलमर्दाना की जो टुकड़ियां किले की ओर भागी उसके लिए द्वार न खुल पाया। उत्तर की ओर से लोचन सिंह के दूसरे दस्ते से जोर कर धावा किया। कुज्जर सिंह के दल ने यथाशक्ति उत्तर की ओर से आने वाली बाढ़ का प्रतिरोध किया, परंतु कुछ बन न पड़ा। वह दल दूसरी ओर से किले के भीतर घुस गया। कुज्जर सिंह ने अपने साथियों के सहित लड़कर मर जाने की ठानी। उसी समय राम दयाल कुज्जर सिंह के पास आया, बोला, राजा महारानी के महलों पर चल कर लड़े, यह स्थान घिर गया है। काले खां फाटक पर लड़ रहे हैं, उस तरह से दुश्मन की फौज दावे चली आ रही है। यदि फाटक खोलते हैं तो भीतर बाहर सब और बैरी की लो बच जाएगी। कुज्जर सिंह ने कहा, महारानी जितने सिर कटवा सकती है उतने बचा नहीं सकती, इस जगह लड़ना व्यर्थ है, मैं तो बाहर जाकर लड़ूंगा। यह कहकर कुज्जर सिंह अपने आदमियों को लेकर चलने को हुआ। इतने में काले कहाँ आ गया, बोला, कुज्जर सिंह तुमने हमारी अथानाश किया है, कहाँ जाते हो? जहाँ इच्छा होगी वहाँ। यह नहीं हो सकता, मैं कोटपाल हूँ, मेरा हुक्म मानना होगा, न मानोगे सजा पाओगे। कुज्जर सिंह नंगी तलवार हाथ लिए था, बोला, दंड विधान मेरे हाथ में है, जाओ अपना काम देखो। गार्ड और राजे का मालिक मैं हूँ और फिर बताऊँगा। काले खां चिल्लाया, पकड़ो पकड़ो। लोचन सिंह की सेना को जो सैनिक गार्ड के भीतर आ गए थे वे काले खां को और झपटे। वह तो लड़ता हुआ किले के दक्षिण की ओर निकल गया, परंतु रामदयाल पकड़ा गया। सिपाहियों ने उसे कैद कर लिया। उधर से लोचन सिंह की सेना ने गार्ड का सदर फाटक तोड़ डाला। काले खां की सेना घमसान युद्ध करने लगी, परंतु लोचन सिंह के पीछे न हट सकी। काले खां कुछ सिपाहियों को लेकर किले से बाहर निकल गया। उसकी शेष सेना का अधिकांश भाग मारा गया, जो नहीं लड़े वे कैद कर लिए गए। लोचन सिंह ने रानी को भी कैद कर लिया। मसालों और रोशनी में किले का प्रबंधन करके लोचन सिंह ने किले के भीतर और बाहर सेना को नियुक्ति किया।
एक दल काले खां का पीछा करने के लिए भी भेज दिया। अलमर्दाना भी स्थिति को समझ कर वहाँ से दूर चला गया। काले खां अपने बचे खुचे आदमी लेकर उसे जा मिला और दोनों पालर और बाले दस्ते से कई कोस से फासले पर कुछ समय उपरांत जा मिले। उस रात लोचन सिंह सीगढ़ में तो पहुंच गया परंतु सो नहीं रह सका। खंड 29। राजा देव सिंह के अलमर्दाना के पालर वाले दस्तों को हटाकर ही चैन नहीं मिला बल्कि इस बात का प्रबंधन करने की चेष्टा भी की कि वह लौट कर फिर उपद्रव्य न करें। राजधानी सुरक्षित थी। सिंहगढ़ विजय का समाचार पाकर उसे दलीप नगर की सीमा को बचाव के लिए दृढ़ करना आरंभ कर दिया। उधर लोचन सिंह को उचित धन्यवाद देते हुए आदेश भेजा। लोचन सिंह ने रामदयाल को बुलाया। कैद में था पहरेदार के साथ आया। लोचन सिंह ने कहा, छोटी रानी से मिलना चाहता हूँ, कागज कलम और दावत तैयार रखें। रानी के पास पहुँचने लोचन सिंह ने बहुत शिष्टाचार के साथ पर कठोरतापूर्वक कहा, आपको कागज पर यह लिखना होगा कि दिलीप नगर राज्य से आपको कोई वास्ता नहीं है। किसकी आज्ञा से? रानी ने कांपते हुए स्वर में पूछा। राजा की आज्ञा से, उत्तर मिला। राजा की आज्ञा से? बड़ी घृणा के साथ रानी बोली, उस भिखमंगे की आज्ञा से? जाओ उसे कह दो कि मैं रानी हूँ, राज्य की स्वामिनी हूँ। वह लुटेरे और जनार्दन विश्वासघाती है, चोर है। मैं तुम सबको दंड की व्यवस्था करूँगी। तुम अब रानी नहीं हो, लोचन सिंह ने उत्तेजित होकर कहा, स्त्री हो। नहीं तो लोचन सिंह वाक्य पूरा नहीं कर पाया। उस दिन लोचन सिंह ने रानी का पहरा बहुत कड़ा कर दिया। खबर पाकर राजा देव सिंह ने रानी के रामदयाल समेत दलीप नगर बुलवा लिया और लोचन सिंह को जो है सिंहगढ़ रक्षा के लिए वहीं रहने दिया। राजा ने जनार्दन से कहा, लोचन सिंह ने रानी के साथ बहुत कड़ाई का बर्ताव किया है, परंतु उसमें दोष मेरा है। मुझे लिखा पढ़ी कराने का काम लोचन सिंह के हाथ में न देना चाहिए था। तुम्हारे हाथ में होता तो सुबह के साथ हो जाता। नहीं महाराज, जनार्दन बोला, मुझ पर तो रानी का पूरा कोप है। उन्होंने मुझे मरवा डालने का प्रण भी किया है। मेरे द्वारा वह काम और भी दुष्कर होता। राजा ने हंसकर कहा, मैं ऐसे पागलों की बहक की कुछ भी परवाह नहीं करता। मैं चाहता हूँ रानी अब किसी तरह का अपमान न किया जाए और पहरा बहुत हल्का कर दिया जाए। वह राजमाता हैं, आदर की पात्र हैं, केवल इतनी देखभाल की ज़रूरत है जिसे संकट उपस्थित न कर सके। यह बात जरा कठिन है महाराज। पहरा कठोर न होगा तो किसी दिन महल से निकल भाग कर विद्रोह खड़ा कर देगी, जनार्दन दृढ़ता के साथ बोला। राजा ने एक क्षण सोच कर कहा, तब उन्हें बड़ी रानी के महलों में एक और रख दो। वहाँ पहले ही वे बहुत नौकरानी चाकर और सैनिक रहते हैं। पहरा काफ़ी बना रहेगा और रानी को खटकने न पावेगा। इस प्रस्ताव को ध्यानपूर्वक सोच कर जनार्दन ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद दोनों छोटी रानी के पास गए। रानी पर्दे में थी। राजा ने दोहरी पर माथा टेक कर प्रणाम किया। रानी ने आशीर्वाद नहीं दिया, बोली, जनार्दन को यहाँ से हटा दो। देवी सिंह इस तरह के अभिवादन की आशा नहीं करता था, सन्नाटे में आ गया। उसे अवाक होता हुआ देख जनार्दन आगे बढ़ा, कहने लगा, मेरे ऊपर आपको जो रोष है सो उचित ही है, परंतु यदि आप विचार करें तो समझ में आ जाएगा कि वास्तव में मेरा अपराध कुछ नहीं है। और मान लिया जाए कि मैं अपराधी हूँ तो भी आपको माता के बराबर मानता हूँ, इसलिए क्षमा के योग्य हूँ। मैंने जो कुछ किया है राज्य के उपकार के लिए किया है। रानी ने टोक कर कहा, हम जो दर मारे मारे फिर रहे हैं, हमारे साथ जो छोटे छोटे आदमी पशुओं जैसा बर्ताव कर रहे हैं, हमें बंदगी हमें डाल रखा है, वह सब राज्य का उपकार ही है न पंडित जी। स्मरण रखना, इस लोक के बाद भी कुछ और है और देर सवेर वहीं जाओगे। जनार्दन कुछ कहना चाहता था परंतु राजा ने आँख के संकेत में मना कर दिया और बोला, रामदयाल को मैं इसी समय मुक्त करता हूँ। वह सदा आपकी चक्री में रहेगा और आप बड़ी ककोजी वाले महल में चली जाएं। न, रानी ने कहा, मैं इसी कैद खाने में अच्छी, जो पहले मेरा ही महल था आज यतनाएं गृह हो गया है। राजा ने जनार्दन से कहा, मैंने रामदयाल को मुक्त कर दिया है, आप उसे तुरंत यहाँ भेजें। जनार्दन दयाराम को लेने गया।
राजा ने कहा, काकू जी आप पंडित जी पर क्रोध ना करें। राजा संभालने के लिए उन्हें अपना काम करना पड़ा। काकू जी मुझे मत कहो, रानी रोते हुए कहा, मैं राजा की रानी हूँ और तुम्हारी कोई नहीं हूँ। यदि कोई होती तो क्या लोचन सिंह इत्यादि मेरा ऐसा अपमान कर पाते? जो कुछ हुआ वह अनिवार्य था काकू जी। राजा बोले, जो कुछ हुआ उसका स्मरण छोड़ दीजिए, आगे जो कुछ करूँगा आपकी आज्ञा से। इतने में रामदयाल को लेकर जनार्दन आ गया। राजा ने रामदयाल से कहा, काकुजी को बड़ी काकुजी वाले महल में पहुंचा दो, उन्हें यदि किसी तरह का कष्ट हुआ तो तुम्हें संकट में पड़ना होगा। खंड 30। छोटी रानी को बड़ी रानी के महल में रखने के बाद जनार्दन ने सोचा, अच्छा नहीं किया। एक तो यह कि छोटी रानी शायद इन्हें ही विचलित करने की कोशिश करे, और दूसरे यह कि वहाँ से निकल भागने का अधिक सुविधा है। राजा ने छोटी रानी को बड़ी रानी के भवन में भेज देने के बाद पहरा स्थिर कर दिया और रामदयाल को उनकी सेवा में बने रहने की अनुमति दे दी। जो लोग बड़ी रानी की टहल में रहते थे उन्हें से छोटी रानी पर निगरानी रखने के लिए चुपचाप कह दिया गया। 2-3 दिन के बाद छोटी रानी ने सलाह करके रामदयाल बड़ी रानी के पास पहुँचा। जब तक दासियाँ पास रही तब तक वह केवल शिष्टाचार की बातें करता रहा। बड़ी रानी समझ गई कि किसी गुप्तचर की उपस्थिति के कारण रामदयाल हृदय की बात कहने से झक रहा है। अपनी निजी की दासियों को हटाकर रानी ने रामदयाल के साथ अधिक स्वतंत्र वार्तालाप की आशा की। दासियों के चले जाने पर रामदयाल ने कहा, वह आपसे छोटी है, आप क्या उनके लिए उनके किए गए क्षमा न कर देगी? जो दुख आपके हैं वही उन्हें भी हैं। ठंडी सांस लेकर रानी ने कहा, उनमें और सब गुण हैं, केवल एक वाणी उनके काबू में होती तो वह था झट आपस में कभी न होता। इनके कष्ट और अपमान की बात सुनकर हृदय बैठ जाता है। रामदयाल ने इधर उधर की बात करने के सिवा उस समय और कुछ नहीं कहा। ज़्यादा समय बोला, यदि काकू जी आपके पास आए तो क्या आपको अखड़ेगा? आंखें झलक पड़ी, रुद्रकंठ से कहा, वह क्या और है, अवश्य आवे। बहुत अच्छा महाराज, कहकर रामदयाल चला गया। नियुक्ति समय पर छोटी रानी बड़ी रानी के पास आई। बड़ी का चरण स्पष्ट द्वारा अभिवादन किया, बोली, जो कुछ मुझसे बुरा भला बना हो उसे विसरा दिया जाए, क्योंकि अब यह सोचना है कि इतने बड़े जीवन को कैसे छोटा किया जाए। बड़ी ने कहा, मैं तो आज ही जीवन को समाप्त करने के लिए तैयार हूँ, अब और क्या देखना है जिसके लिए जीऊँ। छोटी रानी ने जरा घूंघट उड़ाड़ा, बोली, मैं एक अनुष्ठान के लिए अब तक जीवन बनाए हुए हूँ। बात फैल गई है परंतु उसकी चिंता नहीं, आज्ञा हो तो सुनाओ, अवश्य अवश्य। जनार्दन, हम लोगों को सर्वनाश की जड़ है, अब उसकी चर्चा व्यर्थ है। वह चर्चा अमिट है, क्या भूल गई किस तरह से उसने महाराज का हस्ताक्षर का जाल बनाया, किस तरह उसने एक अनजान लड़के को अपना खिलौना बनाकर सारे राज्य की भागडोर अपने हाथों में रखी है। बड़ी रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया, नीचा सिर कर लिया। छोटी रानी ने जरा धीमे होकर कहा, असल में हम लोग राज्य के अधिकारी हैं, वीराने की अपनी संपत्ति भोगते देखकर छाती सुलग जाती है, यही मेरा दोष है, यही मेरा पाप है, पर इसका प्रतिकार ही क्या हो सकता है, जो भाग्य में लिखा है सो होकर रहेगा। हमारे भाग्य में यह सब दुख और जनार्दन के भाग्य में हमारा अपमान करना ही लिखा है, यह कैसे कहा जा सकता है। बड़ी रानी छोटी रानी के मुंह ताकने लगी। छोटी रानी ने उत्तेजित होकर कहा, हमारे भाग्य में राज्य लिखा है, प्रजा पालन लिखा है, और जनार्दन के भाग्य में प्राणवध का दंड बाधा है, मुझे देवी ने सपना भी दिया है। देवी के सामने की बात सुनकर बड़ी रानी बोली, अली मर्दाना को तुमने क्योंकि निमंत्रण दिया इसलिए लोग अच्छे नहीं कहते हैं। ना कहे अच्छा, छोटी ने कहा, कष्टों से पार पाने के लिए मैंने उसके पास राखी भेजी थी, और क्या करती, वह देवी का मंदिर तोड़ना आया था नहीं, और मंदिर की पुजारिन को जो देवी का अवतार भी मानी जाती है नष्ट करने, इसमें बिल्कुल तथ्य नहीं है। हमारे विरुद्ध राजा को उभारने के लिए जनार्दन इत्यादि ने यह षड्यंत्र खड़ा किया है। लोचन सिंह सौगंध खाकर कहता है, ओह उस नीच
नराधम पशु की बात मत कहो, उस जैसी हृदयशीलता पत्थर की शिलाओं में भी न होगी। ऐसा मूर्ख, ऐसी अभिमानी। बड़ी रानी ने धीरे से छोटी रानी की उग्रता के बढ़ते हुए बेग को रोकने के लिए टोक कर कहा, आप अपने स्वभाव को अपने हाथ में रखो, जो कुछ करो समझ बूझ कर करो। हमारे निर्बल हाथ में कोई शक्ति नहीं है। जो सरदार किसी समय तरफदार थे, उनके जी मुरझा गए हैं, अब कदाचित कोई साथ न देगा। मैं किसी से नहीं डरती, छोटी रानी ने कहा। मन की बात मन में ही बंद कर लेने से वह वही हो कर रह जाती है। आपको सीधा पाकर ही तो इस लोगों ने बन आई है। आप कैसे इन लोगों के कारतूसों को सहन करती है? इसका उत्तर बड़ी रानी ने एक लंबी सांस लेकर दिया। थोड़ी देर में छोटी रानी चली गई। बड़ी रानी ने सोचा, यदि मैं छोटी के साथ अपनी शक्ति को मिला देती तो ये दिन सिर न आते। मैं अपने को निरसहाय निराश समझकर इन हीन दशा को पहुंची हूं। खंड 31। कुज्जर सिंह अपने हाथ साथियों को लेकर अंधेरे में सीगढ़ से निकल आया था। सिंधु नदी के उत्तर की ओर कई कोस तक दिलीप नगर का राज्य था। वन और पर्वतों से अंकर्णित परंतु कोई दृढ़ किले उस ओर नहीं थे। जहाँ दिलीप नगर की सीमा खत्म हुई थी, वहाँ से कलापी का सूबा शुरू हो गया था। उस ओर चले जाने पर दिलीप नगर के क्षेत्र से संबंध टूट जाता और कोई पक्का आश्रय मिलता नहीं। ऐसी दशा में उसने पूर्व की ओर पहुँच और बेताब नदी के आसपास ठहर कर अपनी टूटी हुई शक्ति को फिर से जोड़ने का निश्चय किया। झांसी से पूर्वोत्तर कोने में विराटा की गाड़ी, जिसका अवशेष अब एक मंदिर मात्र है, 25 मील की दूरी पर है। रामनगर और विराटा में केवल कोस भर का अंतर है। दोनों बेताब के किनारे भयंकर वन में छिपे से अर्धभग व्यवस्था में अब भी परे हैं। उन दिनों विराटा में दागी राजा राज्य करता था और रामनगर में एक बुंदेल सरदार रहता था। ये दोनों कभी पुण्य स्वतंत्र नहीं रहे, परंतु इनकी अधीनता भी नाम मात्र की थी। कभी कपिलों के कर देते थे तो कभी छोरछा को और कभी किसी को भी नहीं। उसने सोचा, मुसावली में पहुँच कर स्थिति का निरीक्षण और विराटा तथा रामनगर के सरदार से मिलकर अपने बल की पुण्य स्थापना करूं। यदि संभव न हुआ तो विराटा बन के किसी एकांत स्थान में भगवती दुर्गा का स्मरण करते करते जीवन समाप्त कर दूंगा। और अलमर्दाना इस स्थान पर किसी मतलब से चढ़ाई करे तो उसके विरोध में शरीर त्याग करना राज्य प्राप्ति से भी बढ़कर होगा। उसे मालूम था कि कुमुद कहीं विराटा के आसपास ही है। खंड 32। कुज्जर सिंह मुसावली में एक हाजिर घर ठहर गया था। घर से लगा हुआ कांटों की बिरवाही से घिरा एक बेरा था। उसमें कुज्जर सिंह घोड़ा बांधकर स्वयं घर के एक कोने में अकेला जा बसा। बिरवाही से लगे 3-4 महुल के पेड़ थे। महुए के पीछे से एक चकरदार नाला निकला था। दूसरी ओर पहाड़ी थी और जो मुसावली पाटा कहलाती थी। एक और विहर जंगल थी। कुज्जर सिंह महुए के नीचे गया। हाजिर की कुछ भैंसे नाले के पास चर रही थी, कुछ महुए के नीचे उड़ रही थी। एक लड़का कुछ धूप कुछ छाया में सोता हुआ जानवरों को देखभाल कर रहा था। सूर्य की किरणों में कुछ तेजी और हवा में थोड़ी उत्सुकता आ गई थी। कुज्जर सिंह अपने घोड़े के सामने घास डालकर महुए के नीचे आया। जो भैंस दूर पर बैठी उड़ रही थी, एकाएक उठ खड़ी हुई। चरवाहों की आँख खुल गई। पास में कुज्जर सिंह को देख कर लड़कों ने उठाई हुई लाठी को नीचे कर लिया। बोला, दाऊ जी सीताराम। प्रणाम का उत्तर था। कुज्जर सिंह ने पैर की जड़ से टिक कर बैठ गया। लड़का बिना किसी संकोच से एकटक कुज्जर सिंह की ओर देखने लगा। उस चरवाहों के शरीर पर फटी हुई अंगरखी थी, आँखों में एक निर्मल निर्भय दृढ़ थी। कुछ देर टटकी लगाने के बाद बोला, दाऊ जी अब वो दर्शन नहीं भय का। लड़कों के सहज सरल निर्भयता और प्रश्न की विचारता से जरा आकृष्ट होकर गुज्जर सिंह ने प्रश्न किया, किसके दर्शन भाई? हेलो, हम ही से टिकारी करण आए हो क्या? दर्शन खोई नहीं आए? ये तो काय लौने आए इतनी दूर से? संसार भर के राजराव नित आऊ रहत। कुज्जर सिंह चौक पड़ा। पलट से आना तो उसने ही चरवाओं के पिता को बतलाया था, परंतु आने का प्रयोजन उसने कुछ और ही जाहिर किया था। कुज्जर सिंह को
अनुमान करने में विलंब नहीं हुआ कि किसके दर्शन की ओर लड़के का भोला संकेत था। उसने कहा, तुम्हारे साथ चलेंगे, कब जाओगे? लड़के ने उत्तर दिया, जब चाहे तब। कौन दूर है? तुम जो कछु मांगो सो, तुम्हें सोऊ मिल जो हो। कुज्जर सिंह के हृदय में गुदगुदी पैदा हुई। उसने कल्पना की कि पूजा और वरदान का स्थान एक कोस पर विराटा ही है। पूरा पता लगाने का प्रयोजन से पूछा, रास्ता क्या बहुत विहर में होकर है? यहाँ से तो मंदिर दिखाई नहीं देता, पाट पे होके सब दिखात है। लड़का बोला, विराटा की गाड़ी दिखात और देवी को मंदिर दिखात, ठीक नहीं के बीच में विराजमान है। ए दाऊजी, हमने सब पहलवान पैंड देखा, तब आंखें मिच गई हती, इनके नेत्र में से झाड़ सी निकल रही हती। कुजर सिंह को विश्वास हो गया कि यह वर्णन कुमुद का ही है। तो भी और अच्छी जानकारी पाने के गरज से कहा, कब से आई है ये देवी? सदा से, लड़के ने चकित होकर जवाब दिया। उनकी कछु आद अंत थोरक सो है। लड़के के बाद उस सीधे लड़के ने देवी की करमातों की गिनती का आता तांता बांध दिया। सूर्य से पहले दूर के खेत से गृह अवस्था स्वामी जब आया, तब गुजर सिंह ने अवसर प्राप्त होते ही उसे कहा, देवी के दर्शन करके मैं यहाँ से 2-4 दिन में चला जाऊँगा। कृषक बोला, सो काऊ, ऐसी जल्दी परी दाऊ जी, हमसे ऐसी कई बिगड़ी की अवई जावो हो जय है। कृषक के इस सरल और सच्चे अस्था हट के गुजर सिंह का भी जी भर आया। खंड 33। छोटी रानी की विविधता बड़ी रानी के अधिक अकुश करने लगी और दोनों एक दूसरे से बहुत मिलने जुलने लगी। थोड़ी दिनों में दोनों के बीच का बहुत दिनों से चला आने वाला अंतर कम हो गया। राजा को इस मेल जोल पर संतोष हुआ, परंतु जनानंद को इससे श्रद्धा के योग्य कुछ नहीं दिखाई दिया। एक दिन बहुत लगन के साथ छोटी रानी बड़ी रानी से बातें कर रही थी। बातचीत के सिलसिले में छोटी रानी ने कहा, जब तक हम लोग इस वधिक हमें बैठी बैठी दूसरे का मुंह ताकती रहेगी, तब तक कोई सरदार मैदान में नहीं आवेगा। बाहर निकलते ही बहुत से सरदार साथ हो जाएंगे। बड़ी रानी का इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस राज्य के असली अधिकारी कैद में हैं और जिसे कैद में होना चाहिए वह राजदंड हाथ में लिए हैं, परंतु उसके छीनने की शक्ति अब भी हमारे हाथों में है। छोटी रानी ने उत्तर दिया, मैं भी मानती हूँ, और यदि काफ़ी तादाद में सरदार लोग सहायता के लिए आएँ तो सब काम बन जाएगा, परंतु यदि ऐसा न हुआ तो प्रलय की आशंका ही है। छोटी रानी अधिक निश्चयपूर्ण स्वर में बोली, बिल्कुल सोच समझ लिया है। राम दयाल अपने पक्ष के सरदारों से मिल चुका है। वे लोग नए राज्य से असंतुष्ट हैं, परंतु जब तक हम लोग महलों में बंद हैं, तब तक वे लोग अपनी निजी प्रेरणा से कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ से चलकर ठहरेगी कहाँ? बड़ी रानी ने जरा संकोच के साथ पूछा। कहीं भी, दलीप नगर के बाहर कहीं भी, सिंह की गुफा में, नदी के तली में, पहाड़ के शिखर पर, कहीं भी। छोटी रानी की उत्तेजित होकर उत्तर दिया, हमारे स्वाभिधर्मी सरदार कहीं भी हमारी सहायता के लिए आ सकते हैं। बड़ी रानी के प्रतिवाद करते हुए कुछ रुखाई के साथ कहा, मैं इस तरह की यात्रा के प्रस्ताव से सहमत नहीं हो सकती, व्यर्थ मारे मारे फिरने से यहीं अच्छे। छोटी रानी तुरंत रुख बदल कर बोली, रामनगर के राव के यहाँ ठिकाना रहेगा, वहाँ से अनमर्दाना की सहायता सहज हो जाएगी। सीगढ़ पर चढ़ाई उसी की ओर से अच्छी तरह से हो सकती है। छोटी रानी के ढहले हुए स्वर से बड़ी रानी के नरम कर दिया, कहा, रामनगर के पराब के पास बड़ा बल तो नहीं, परंतु स्थान रक्षा के विचार से अच्छा है। अनमर्दाना की सहायता के बिना काम न चलेगा, वह हमारा राखी बंध भाई है। छोटी रानी ने उत्तर दिया, उसकी ओर से जी में कोई खटका मत कीजिए, किसी भी मंदिर के विध्वंस करने की कोई इच्छा उसके मन में नहीं है। इसी समय एक दासी ने बड़ी रानी के खबर दी कि दीवान जनानंद आशीर्वाद लेने के लिए आना चाहते हैं। थोड़ी देर में जनार्दन आ गया। आशीर्वाद और कुशल मंगल पूछने के पश्चात उस दासी द्वारा जनार्दन और बड़ी रानी का वार्तालाप होने लगा। जनार्दन ने पूछा, छोटी महारानी न मालूम मुझसे क्यों रुष्ट है? महाराज इस बात को जानते हैं कि मैं उनका कोई अतीत चिंतन नहीं करता। बड़ी रानी ने जवाब दिलवाया, इस बात से मेरा कोई संबंध नहीं है, आप इस विषय पर इन्हीं से कहीं सुने।
मैं आपकी सहायता चाहती हूँ, उन्हें इस राज्य में जो स्थान पसंद हो उसमें आनंद पूर्वक रहें, जिससे इस लांछन से बचूं कि दलीप नगर में मैंने इन्हें बढ़वश रोक रखा है। इसे तो वह अवश्य पसंद करेगी, और जवाब देने वाली ने रानी की ओर से कहा, बड़ी महारानी भी कुछ दिनों के लिए बाहर यात्रा कर आवेगी। जनार्दन को यह प्रस्ताव पसंद ना आया, बोला, आजकल अवस्था जरा खराब हो रही है और वैसे भी यह स्थान तो आपके बहुत प्यारा रहा है, अपने कभी शिकायत भी नहीं की है। बीच में टोक दिया गया, बड़ी रानी की तरफ से कहा गया, जरूर जाऊंगी, कैदी नहीं है जो उन्हें जो जाने दिया जाए और उन्हें रोका रख रखा जाए। जनार्दन बोला, मैं महाराज से अनुमति के लिए कहूँगा, परंतु जिस काम से मैं आया था वह यदि वह वहाँ नहीं हो सका तो छोटी रानी के ही पास जाकर अपने अपराधों की क्षमा मांगूँगा। वहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है, छोटी रानी ने दासी का आश्रय लिए बिना ही पर्दे के भीतर से कहा। हम दोनों आचार्य पीड़ित स्त्री एक स्थान में शांति के साथ रहना चाहती है, वो भी तुम्हें सहन नहीं है, हमारा राजपाट ले लिया, दोनों को एक दूसरे से अलग करके क्या किया, एकांत गाड़ी में हमारा सिर कटवाओगे क्या? जनार्दन चौंका नहीं, थोड़ी देर तक शब्द निश्चय बना रहा, कुछ ही क्षण पश्चात बोला, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही जिसे आपको निष्कृत की दृष्टि से होती हो, आपसे क्षमा प्रार्थना करने की ही बात कह रहा था, वह न रुकी जाता हूँ। जनार्दन दोनों रानियों को एक दूसरे के अलग करना चाहता था, इसी प्रयोजन से वहाँ गया भी था, परंतु सावधानी से काम न करने के कारण और छोटी रानी के तार लेने से उसका मनोरथ निष्फल हो गया। छोटी रानी कुआवाक्य का उसे बहुत थोड़ी देर ध्यान रहा होगा, उसके मन में बहुत ज्ञानी थी और चतुराई के साथ बातचीत नहीं की। राजा के पास गया चतुर मंत्री के लिए समय में बढ़कर मूल्यवान और कोई चीज़ नहीं हो सकती, इसलिए उसने राजा से तुरंत भेंट की। दोनों रानियों की परस्पर बढ़ती हुई धनिष्ठता में किसी भयंकर विपदा की भीष्मिका, किसी विकट षड्यंत्र की जनशक्ति की आशंका का चित्र जनार्दन ने खींचा। राजा ने जरा खींच कर कहा, तब क्या करूं? जब तक कोई बड़ा अपराध सिद्ध न हो जाए दंड दिया नहीं जा सकता। राजा की खिलजाहट से जरा भी न घबरा कर जनार्दन बोला, न तो किसी अपराध के सिद्ध करने की ज़रूरत है और न किसी दंड के विधान की, इन्हें तो अन्नदाता दो अलग अलग स्थानों में सम्मान पूर्वक रख दे, इसे वैमनस्य और बढ़ेगा। जो सरदार अभी पीछे पीछे शायद दबी जवान यह कहते हैं कि इन लोगों ने रानियों को महल में कैद रखा है, वह भड़क कर खुल्ला बुराई करेंगे। रानियों को यहाँ से हटाकर मैं अपने लिए व्यर्थ का विरोध नहीं खड़ा करना चाहता। अन्नदाता ये बड़ा बैठी बैठी सम्मिलित शक्ति से राज्य उलटने पलटने की तरकीबें सोच सकती है, सरदारों को अराजकता के लिए उभारा करती है, एक दूसरे से दूर रहने पर दोनों निर्बल हो जाएगी। मैं इस बात को नहीं मानता, जैसी महाराज की मर्जी हो, परंतु छोटी रानी की हरकतों को मारे मेरी तो नाक में दम आ गया है, यह तो अन्नदाता के मालूम ही है कि मेरा सिर काटने या कटा लेने का रानी ने प्रण ठान रखा है। राजा ने हंसकर जनार्दन की बात काट दी, कहा, डरो मत, तुम्हारे उम्र अभी बहुत है, चाहे ज्योतिषी से पूछ लेना। फिर एक क्षण बाद गंभीर होकर बोले, शर्मा जी, तुम्हें तलवार चलाना सीखना चाहिए था, राजधानी की गणित लगाते लगाते बहुत से व्यर्थ भय को भूत तुम्हें सताने लगे हैं। स्त्री बात काटती है सिर नहीं काटती है, अपना काम काज देखो, राज्य की बहुत सी समस्याएं तुम्हें उलझाने के लिए यूँ ही काफ़ी है, इधर का खाजा ज़रा कम कर दो, कुछ मेरी भी भरोसा करो। अलमर्दाना अपनी फौज लिए भंडोर में परा था। दिलीप नगर के दमन की प्रबल आकांक्षा उसके मन में थी, परंतु दिल्ली की अस्थिर अवस्था और इलाहाबाद के सौतेले भाइयों की प्रबल हलचल उसे उग्र रूप धारण करने से वर्जित कर रही थी। काले खां जो है पालर की पुजारिन के बीच बीच में याद दिला दिया कर देता था, उस विषय में भी अलमर्दाना के हृदय में एक बड़ा सा लालयुक्त स्थान था, परंतु स्थान में भी उसकी इच्छाओं
का एक बड़ा बंधन कसा हुआ था, वह यह था कि अलमर्दाना और उस सरीके अन्य मनचले सूबेदार जो सिर से दिल्ली का बोझ हल्का होते ही स्वतंत्र हो जाने के मनोहर सपने से में डूबे रहते थे, अपने सूबे की और परोस की हिंदू जनता पर साधने और सैनिकों के लिए बहुत निर्भर रहते थे, इसलिए यथासंभव उसे व्यर्थ नहीं चिढ़ाते छोड़ते थे। धीरे धीरे मंडोर में भी यह खबर पहुंच गई कि विराट में एक देहधारिणी देवी है जो अपने वरदानों से निसहायों को समर्थन कर देती है। यदि अलमर्दाना चढ़ाई के साथ अनुसंधान करता तो पालर और विराटा की देवी की समानता उसे कदाचित मालूम हो जाती। उसने इस विषय को किसी अनुकूल समय की आशा से प्रेरित होकर स्थगित कर दिया और केवल ऐसी धारणा ढूंढ खोज को जो आसानी से दूसरे पर प्रकट न हो पाए जारी रखी। रामनगर का राव पत्राखान इस बीच में कई बार मंडोर गया आया। वह यह जानना चाहता था कि अलमर्दाना क्यों यहाँ पड़ा हुआ है और कब तक इस तरह पड़ा रहेगा। साथ ही वह अलमर्दाना को मौका मिलने पर विश्वास दिलाना चाहता था कि मंडोर में और अधिक ठहरना बेकार है। एक दिन अलमर्दाना से अकेले में बातचीत हुई। अलमर्दाना ने पूछा, सुना है राव साहब आपके पड़ोस में देवी का कोई अवतार हुआ है? जी हाँ, कोई बात नहीं है, हमारे धर्म में ऐसा होता ही रहता है। कब हुआ था? बरसों हो गए हैं, हमेशा से उसकी बाबत सुनता आया हूँ। हाँ साहब, अपने अपने महज मजहब की बात है, मुझे उनमें दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे ही पूछा है। परंतु रामना लौट आने के कई रोज पीछे ही पत्र राखन में सुना है कि अलमर्दाना मंडोर में ही है। विराट की पद्मिनी में आगे क्या हुआ अगला खंड जो है हम आगे पाठ में करेंगे, तो आप बने रहिए तिरपान स्टडी सेंटर के साथ और समझते रहिए विराट की पद्मिनी। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान से सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करोगे तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने की मेरा क्या जरूरत है तिरपान श्री सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान श्री सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NISU बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6th सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है तिरपान श्री सेंटर का फायदा ही फायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा, ठीक है दोस्तों। इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।